हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस टाइम, क्योंकि सामने ही दिवाली है। सो फेस्टिव सीजन चल रहा है, जो लोग साल भर मेकअप नहीं करते वो इस सीज़न में थोड़ा बहुत मेकअप तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, बट हमें हमेशा ऐसा मेकअप चूज़ करना है जो हमारी स्किन के लिए सेफ है, जो नेचुरल है। तो वही मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि लोटस मेकअप के बारे में मैंने बहुत सुना था, उनके मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। सो इसीलिए मैंने ट्राई आउट किया उनके लिपस्टिक, आईलाइनर एंड उनका जो स्ट्रोब की क्रीम है, वो मैंने बहुत ज़्यादा सुना था उनके स्ट्रोब क्रीम के बारे में। सो वो भी मैंने ट्राई आउट किया है। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके का वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस मेकअप से स्टार्ट करते हैं। बेस के लिए मेरे पास है ये लोटस मेकअप का ग्लो स्ट्रोक क्रीम। तो ये है उसका आउटर पैकेजिंग। सारे ही मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ किया है, सबका जो आउटर पैकेजिंग है वो इस तरीके का कार्डबोर्ड ग्लॉसी पैकेजिंग में आता है, जो कि काफ़ी रिच लुक इसको दिया है। एंड इसका जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग, जिसके ऊपर सारे डिटेल्स ऑलरेडी दिए गए हैं। एंड ये 15 ग्राम्स का है, जिसका प्राइस है 525 रुपीज़। नाउ दिस इज़ द स्ट्रोब क्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग में है, जो ट्रैवलिंग के वक्त आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका जो पैकेजिंग है वो भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक इसको दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज़ प्रिजर्वेटिव फ्री, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। आप अपनी चीक्स पर एंड हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पर इसे अप्लाई करेंगे मेकअप शुरू करने से पहले, मतलब जब मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया उसके बाद आप इसे अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर, फिर अपने टिप ऑफ द नोज पर, फोरहेड पर थोड़ा थोड़ा सा, और फिर उसे अच्छे से मसाज कर लीजिए। एंड ये इतना खूबसूरत सा एक नेचुरल ग्लो देगा। आप चाहते हैं तो सिर्फ इसे अप्लाई करने के बाद लिपस्टिक एंड आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपका जो लुक है वो नेचुरली ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये जो स्ट्रोब क्रीम है, ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईलाइनर की। आईलाइनर मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है आईलाइनर एंड काजल। तो मैंने लोटस का ये जो आईलाइनर है ये मैंने ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी द टिप इज़ सो ऑसम। आप इसे विंक लाइनर भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसे प्रिसाइजली कुछ भी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। इतना अच्छा इसका जो टिप है ना, वो काफ़ी स्मूथ है, इजीली ग्लाइड भी करता है और आप इसे प्रिसीशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो विंग लाइनर हो या फिर आप इसे मोटा करके आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा ये जो आई लुक है वो मैंने इसी को इस्तेमाल करके ही अप्लाई किया है। एंड आप लोग देख सकते हैं सामने के पोर्शन, आजकल जो ट्रेंड में है फ्रंट पोर्शन काफ़ी पतला रखना है एंड फिर जो विंग है ना वहाँ से थोड़ा सा आपको थिक जाना है। तो इस तरीके के आईलाइनर से आप ये लुक इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इसे कैट आई लुक्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड आईलाइनर एंड इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट के वजह से भी ये नहीं निकलता। सो आई थिंक अ वेरी बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू दिस आईलाइनर। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया है ये लिपस्टिक, जिसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत क्यूट सा पैकेजिंग है। एंड यू ऑल नो मुझे बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है, उसका फॉर्मुलेशन, उसका यूजेज काफ़ी मुझे इजी लगता है। एंड इस लिपस्टिक का जो फॉर्मूला है, जो टेक्सचर है, वो इतना बटरी सा सॉफ्ट है ना, बहुत अच्छा मुझे लगा इसका टेक्सचर, काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। मैंने इसे अप्लाई किया है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने लिपस्टिक अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई किया है, इतना लाइट वेट है, इरिटेट भी नहीं करता, इजीली ग्लाइड हो जाता है, एकदम बटरी सा सॉफ्ट है। मेरा जो शेड है वो है न्यूड नेचर एंड द शेड लुक्स सो अमेजिंग। ये आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ, इंडियन वेयर के साथ इजीली वेयर कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल लिपस्टिक, क्योंकि आप इसे डे टू डे बेसिस पर भी हल्का अप्लाई कर सकते हैं, इसे एज अ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं, इतना खूबसूरत इसका फॉर्मूला है। एंड इसे आप यू नो फेस्टिव लुक के टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका ड्रेस बहुत हेवी है, जब आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हेवी है, आई लुक आपने हेवी किया है। सो आई थिंक दिस लिप्स शेड इज़ रियली ऑसम। लोटस मेकअप प्रोडक्ट्स 100% वेजिटेरियन होते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स है, 97% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, मतलब एकदम वीगन मेकअप।
सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है. इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, सारे परचेजिंग लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं. मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.